हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आपका गूगल प्ले कंसोल अकाउंट टर्मिनेट हो चुका है तो आप कैसे अपील कर सकते हैं, गूगल को बता सकते हैं फिर से एक्टिव कर दे, तो कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। मैं आज की इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको गूगल को अपील करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है गूगल प्ले कंसोल अकाउंट सस्पेंड होने के बाद, और मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ आप कैसे अपने गूगल प्ले कंसोल अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट देख लो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे गूगल प्ले कंसोल है, यहाँ पे देख सकते हैं योर डेवलपर अकाउंट हैज बीन रिमूव। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आ रहा है, इसके सामने यहाँ पे मेल भी आया है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, नोटिफिकेशन फॉर गूगल प्ले, यहाँ पे देख सकते दिस इज नोटिफिकेशन डेट योर गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट हैज बीन टर्मिनेट। तो इस तरह का मेल आता है, यहाँ पे देखो 15 घंटा पहले मेल आया है, ये गूगल प्ले कंसोल अकाउंट टर्मिनेट किया गया है, तो हम गूगल को अपील करने वाले हैं कि ये हमारा वापस कर दे अकाउंट। तो उसके लिए आपको गूगल प्ले कंसोल पे जाना है। ओके, आपके इस पेज पे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपील का ऑप्शन मिल जाता है, आपको अपील पे क्लिक करना है। ये जो आपको लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक के द्वारा भी आप जा सकते हो यहाँ पे। उसके सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, उसके आपको नाम देना है, अपना रियल नाम आपको देना है। ओके, आपको अपना ईमेल आईडी देना है जिससे गूगल प्ले कंसोल था। फिर उसका ऑप्शन आता है प्लीज लिस्ट अ पैकेज आईडी फॉर योर ऐप, जो सस्पेंड हुआ एप्लीकेशन उसका पैकेज यहाँ पे देना है। आपके पास मल्टीपल जो भी लगता है कि एप्लीकेशन के अंदर इशू था उसका पैकेज आपको देना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन का पैकेज नहीं दे रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपको चूज फाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन रिलेटेड का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया अगर आपका वेबव्यू ऐप है इस तरह का स्पैमिंग, अगर आप एप्लीकेशन बनाए थे तो उसका आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैंक्स वगैरह डिटेल्स बिल्कुल भी यहाँ पे फिल नहीं करना है, यहाँ पे दिखाया गया फाइनेंशियल एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, ये सब आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्हाई शुड योर अकाउंट बी रीस्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक txt फाइल मिल जाएगा, उसको आपको सिंपल कॉपी करना है। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको कॉपी करना है और कंट्रोल भी कर देना है, और इसके नीचे आपको अपना नाम दे देना है। दरअसल ये अकाउंट मेरा एक क्लाइंट का है तो मैं उनके लिए अपील कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह से फिल करना है। इसके अंदर आप चाहे तो और भी कुछ कंटेंट्स लिख सकते हो, क्यों आपका यहाँ पे सिंपली यही लिखना है कि आपसे गूगल पूछ रहा है क्यों हम आपका अकाउंट को रीस्टार्ट करें, दोबारा से क्यों चालू कर दें, तो आपको वही आपको डिस्कस यहाँ पे करना है, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, तो और भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आता है जिसको आप चूज कर सकते हो, आपको लगता है किस वजह से आपका अकाउंट टर्मिनेट हुआ है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, नो ई टू डेली प्रोवाइड नोटिफिकेशन। तो फिर इतने सारे आपको फिलअप करने के बाद, ये सारे फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका 48 से 72 आवर के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा ये अपील सबमिट हो चुका है, गूगल के पास जा चुका है, तो आपको मेल का वेट करना है। तो फिर अपील करने के बाद आपका प्ले कंसोल अकाउंट आने का चांस ज़्यादा कब रहता है, जब गूगल की इंड से कोई गलती हुआ रहता है और उन्होंने सस्पेंड कर दिया रहता है कुछ गलती की वजह से। लेकिन अगर आपके इंड से गलती हुआ है, आपके तरफ से कोई वायलेंट हुआ है गूगल प्ले पॉलिसी को और आपने वायलेंट किया है, उसके पॉलिसी के खिलाफ आपने गया है कोई एप्लीकेशन, तो आपका अकाउंट वापस आने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो इस केस में आप अपना एक नया अकाउंट बना सकते हो। आपको नया अकाउंट बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, सेम आपको नेम डिटेल नंबर पे आपको नहीं बनाना है कभी भी, तो आपको एक नाम पे एक गूगल प्ले कंसोल अकाउंट आप बना सकते हो। तो आप उसके बाद सेकेंड जो अकाउंट बनाओगे अपने फैमिली मेंबर के नाम पे बनाओगे, जिस तरह से एडसेंस अकाउंट आप जानते हो, जैसे कि आप गूगल एडसेंस आपने चलाया होगा, गूगल एडमोब चलाया होगा, तो आपको पता ही होगा कि एक बंदे के नाम पे एक ही एडसेंस अकाउंट गूगल एडमोब अकाउंट रहता है। तो उसी तरह से गूगल प्ले कंसोल भी है, एक ही बंदा के एक नाम पे बन सकता है, एक बंदा के नाम पे एक अकाउंट बन सकता है। तो आपको किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पे सेकेंड अकाउंट बनाना है, अपने मम्मी पापा भाई बहन के नाम पे बना सकते हो, उसके बाद फिर से प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है, अगर आप गूगल प्ले कंसोल अकाउंट बाई करना चाहते हैं पेटीएम भीम UPI गूगल पे से, तो मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह के एंड्रॉइड या तो iOS एप्लीकेशन बनवाना चाहते हो तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड प्ले कंसोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बाय।